मुंबई में जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर युवक को पीट पीट कर मार डाला, सीसीटीवी में कैद। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की एंजियोप्लास्टी सफल, मुंबई के लीलावती अस्पताल से ली छुट्टी। इंडिया गठबंधन 2 अक्टूबर को मुंबई में भी मैं भी गांधी शांति मार्च निकालेगा मुंबई। आपसी खींचतान से धीमी हुई इंडिया की सियासी रफ्तार, मुंबई में बैठक में बनी सहमति भी नहीं चढ़ पाई सिरे। आदित्य ठाकरे ने विदेश दौरा को लेकर शिंदे सरकार की आलोचना की, कही बड़ी बात, भाजपा ने किया पलटवार। रूस यूक्रेन युद्ध को मात्र एक फोन कॉल से रुकवाने वाले बयानवीर पीएम मोदी जी, मणिपुर में हिंसा नहीं रुकवा पा रहे, चंद्रशेखर आजाद। कसाईयों को गाय बेचता है इस्कॉन, मैंने गौशाला में जाकर देखा, मेनका गांधी का बड़ा बयान। संसद में नफरत उगलने वालों को इनाम मिल रहा है, वो मानते हैं कि यूं ही तो कीचड़ में कमल खिल रहा है, जयंत चौधरी। रमेश भिदुड़ी को मुस्लिम सांसद को गाली देने का पुरस्कार मिला है, मोदी जी के अल्पसंख्यकों के लिए आपका प्यार है, महुआ मोहित्रा। मोदी जी, मणिपुर के लोग आपका यूट्यूब चैनल कैसे सब्सक्राइब करें, वहां इंटरनेट बंद है, प्रकाश राज। मणिपुर में शांति की अपील करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी अपने यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाने की अपील कर रहे हैं, वीवी श्रीनिवास। प्रधानमंत्री मोदी को ईडी से जांच करानी चाहिए कि गोदी सेठों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, रविश कुमार। अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के विमान का उपयोग कैसे कर रहे हैं, ये जनता का पैसा है, साकेत गोखले सांसद। मैं चौथी बार राजा को चैलेंज देता हूं कि अगर मुझ पर यह जांच भी झूठी निकली तो इस्तीफा दोगे, सीएम केजरीवाल। कन्नौज के एक बूथ में मिले 115 फर्जी वोटर, अखिलेश बोले अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो यूपी के हर बूथ में यह भाजपाई घोटाला सामने आएगा। टोल टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ प्रचंड आंदोलन की चेतावनी, सिंध सरकार को मनसे का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में टोल वसूली के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाली मनसे ने एक बार फिर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। इस बार मनसे ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है। शनिवार को मनसे नेता अविनाश यादव के नेतृत्व में मनसे सैनिकों ने मुलुंद टोल नाका स्थित आनंद दिघे प्रवेश द्वार पर आंदोलन किया और चेतावनी दी कि जब तक टोल शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय रद्द नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रविवार को शहर के चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किया जाना है। मनसे के आंदोलन को देखते हुए आनंद नगर चेक नाका पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। वहीं पुलिस नासिक हाईवे पर आनंद नगर में टोल बूथ है। कुछ साल पहले राज्य सड़क विकास निगम MMRDC ने इस सड़क को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सौंप दिया था। अब सड़कों एवं फ्लाईओवर का रख रखाव मुंबई महानगर पालिका के जिम्मे है, लेकिन टोल वसूली MMRDC के माध्यम से टोल कंपनी की तरफ से की जा रही है। मनसे ने दावा किया है कि वर्ष 2023 तक मुंबई के प्रवेश द्वार पर बने टोल बूथों से करीब 40,000 करोड़ रुपए का टोल वसूला जा चुका है। साथ ही 1 अक्टूबर से टोल रेट में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। यादव ने कहा कि हम टोल प्रशासन से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, हमें वर्ष 1999 का समझौता पत्र दिखाया जा रहा है, उस समय वाहनों की संख्या कम थी, आज वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यादव ने यह भी कहा कि मुलुंड टोल नाका 5 साल पहले ही बंद होना अपेक्षित था, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टोल मुक्त महाराष्ट्र की बात कही थी, अब उलट अधिक टोल वसूली की जा रही है।